कांकेर में सीमा सुरक्षा बल का 55वां स्थापना दिवस बीकानेर सेक्टर मुख्यालय में रविवार को मनाया गया। इस मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिसमें बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सेवानिवृत्त अधिकारी और जवान भी इस अवसर पर उपस्थित थे। बल के आईजी ने जवानों की हौसला अफजाई की। बल की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। पाकिस्तान से लगने वाली 3323 किलोमीटर तथा बांग्लादेश के साथ 4156 किलोमीटर लंबी भारतीय सीमा की रक्षा का जिम्मा बल के पास है। छत्तीसगढ़ में साल 2009 में प्रदेश आंतरिक समस्या से जूझने के लिए सीमा सुरक्षा बल की एक टुकड़ी कांकेर जिले में तैनात की गई। तब से फोर्स नक्सलियों से लोहा लेते हुए दूरदर्श ग्राम और अंदरूनी इलाकों में सक्रिय है। वहां रहने वाले लोगों के बीच नक्सलियों के भय के वातावरण का समाप्त करके उनके दिल में सुरक्षा की भावना को मजबूत कर रही है। इस मौके पर कार्यक्रम में जवानों के साथ दुर्ग कोंदल थाना प्रभारी रविंदर मंडवावी एवं स्टाफ तहसीलदार फूड साहब सहित आसपास के सैकड़ों प्रतिष्ठित नागरिक गण मौजूद रहे। मैं आज इस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे हमारे जवान लोग रहते हैं, और जवान लोग रहने के बाद में यहाँ क्षेत्र की सुरक्षा करते हैं। क्षेत्र क्या, पूरी कहा जाए कांकेर जिला के आसपास की जो तमाम जो क्षेत्र हैं उनकी और सुरक्षा करते हैं, लोगों के साथ मिलजुल करके, ग्रामीणों के साथ मिलजुल के। तो आज मैं यहाँ इसलिए मौजूद हूँ जवानों के बीच में बताना चाहूँगा कि जिस समय पाकिस्तान जैसे विरोधी देश है उनके साथ में लड़ाई हुई थी, लड़ाई होने के बाद में जवानों के द्वारा उनको बेतोड़ जवाब दिया गया था, उस समय बीएसएफ का जवान पैदा हुआ था। आज लगभग 56वां साल को कदम रखने जा रहे हैं 55 साल के बाद, तो आज जवानों के द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया 1 दिसंबर को। तो मैं आज हमारे जवानों के बीच में उपस्थित होकर के जवानों से ही पूछना चाहूँगा कि क्यों और कैसे और कब तक इसको मनाते आ रहे हैं और कब तक मनाते रहेंगे। मैं हमारे यहाँ के दुर्ग कोंदल बीएसएफ कैंप के वरिष्ठ जाबाज सिपाही अरुण कुमार जी से ही पूछना चाहूँगा कि वो कैसे मनाते आ रहे हैं और कब तक मनाते रहेंगे, और कैसे हुआ हमारे बीएसएफ के द्वारा जो ये नक्सली गतिविधियाँ जो चल रही है उसके बारे में बताएंगे। बीएसएफ का जन्म 1 दिसंबर 1965 को हुआ, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया भी था। और ये भारत पाकिस्तान युद्ध जो 1965 में हुआ था उसकी समाप्ति के तुरंत बाद ही बीएसएफ का गठन किया गया था। उस वक्त उससे पहले कोई सीमाओं की सुरक्षा के लिए कोई डेडिकेटेड फोर्स नहीं हुआ करती। तब ये ज़रूरत महसूस की गई कि एक ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो कि मुख्य रूप से सीमाओं पे ही तैनात रहे और सीमा की सुरक्षा करती रहे, और उसके साथ ही बीएसएफ का जन्म हुआ। जब से बीएसएफ का जन्म हुआ तब से लेके आज तक बीएसएफ भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे तैनात थी, और जब बांग्लादेश बन गया 1971 में तब बांग्लादेश के बॉर्डर पे, हालांकि उस बॉर्डर पे पहले भी थी क्योंकि बांग्लादेश ही पाकिस्तान था उस समय। साथ ही साथ सीमा की रखवाली के अलावा बीएसएफ को आंतरिक सुरक्षा के लिए भी अलग अलग राज्यों में तैनात किया गया, और वहाँ बीएसएफ ने बड़ा अच्छा काम किया। कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और आज छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी जगहों में नक्सल अभियान में भी हम कार्यरत हैं। बताना चाहूँगा मैं कि आज हम इंडिया की बात करें या अन्य जगह की बात करें, सबसे बड़ी फोर्स आज बीएसएफ की है। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और हमारे कुमार साहब के द्वारा सुना गया हमें कि उन्होंने बहुत ही स्ट्रेस दिए कि जिस तरीके से जब पाकिस्तान और भारत की युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद में जब 1 दिसंबर को यहाँ गठन हुई हमारी बीएसएफ, तब से यह लड़ाई यहाँ पे लड़ रहे हैं और नक्सल गतिविधियों में हमेशा भाग लेते हुए नक्सलियों को पछाड़ने जा रहे हैं। और उनका यह भी कहना है कि नक्सली बहुत कम हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में। सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि कितना हद तक कम हुई है? देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो आंकड़े हैं जो हमें ग्राउंड में देखने को मिलता है उससे तो लगता है कि बहुत कम हो गए हैं।
अब एग्जैक्ट फिगर कहना मुश्किल है। हमारे इलाके की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि 25-30 से ज़्यादा की संख्या होगी, लेकिन नक्सलियों की स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह की होती है कि इलाके में 25 से 30 की संख्या में होते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई वारदात करना होता है तो दूसरे इलाके से बड़ी तादाद में वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन वो इस जगह पर ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते। और अगर कभी ऐसा होता भी है तो हम लोग सक्षम हैं उनसे डील करने के लिए। सुनो के भी मिल रहा है कि हम डरेंगे नहीं, जिस तरीके से पहले से आज तक हम जिस तरीके से उन लोगों से लड़ते आए हैं, लड़ते ही जाएंगे, और वो हमारे जवानों की जो कॉन्फिडेंस है उसको देख करके डर के भागने वाले हैं और बहुत जल्द भाग जाएंगे। ऐसा करना, मैं आर्यन कुलदीप, बच्चा संघ बागेट। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।